Sharing the screen again. Okay. So now this program run in the personal application will be APA. So please yaad rakho what is the syntax, okay? Aap bolo ko main likhungi program, okay? So declare the variables, variables we are declaring, okay? Then print the message to the users, then scan the number, okay? Are same for both the numbers, then take the one variables, okay, result, now do the processing, result equals number 1, number 2, okay, console dot write line, okay, sum of two numbers, print the output, plus, aapko kya likhna hai, plus, result, see, result dot two string, okay, result dot two string hum logo ne kiya, okay, result dot two string, why, because dot net ko kya samajhta hai, string, the result is, kya hai aapka, न्यूमेरिक है, सो वी हैव टू अगेन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में. अगेन ये स्क्रीन इज विजिबल ना, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम. ओके, यस मैम. रन इन द डॉट नेट प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे. ओके, दिस इज द कंसोल एप्लीकेशन. ऑलरेडी नेम हेडर फाइल्स नेम स्पेस क्लास मेन ऑलरेडी गिवन. नाउ ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू to write the program for addition of two numbers. Simple program है, ठीक है? Why I am writing this program? क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपको syntax याद रखना है, ठीक है? Syntax is important for you. Concept पता है? Number one, number two, a plus b, c equals to a plus b, and बता logic you know. But for the concept, syntax आपको याद होने, तो syntax के लिए मैं ये program करवा रही हूँ, ठीक है? एक program लोग करते हैं, declare the variable, okay? int, integer. ओके, इंटीजर 16, 32, 64 बाइट्स आर ऑलरेडी गिवन. आपको जो भी चूज करना है आप चूज करोगे, ठीक है? इंटीजर मैं बाय डिफॉल्ट एक ही ले रही हूं. इंटीजर मुझे उसका साइज बड़ा नहीं चाहिए बिकॉज़ आवर प्रोग्राम इज स्मॉल, ठीक है? इंटीजर n 1 सेकंड वेरिएबल आई एम टेकिंग हियर कॉमा n 2 ओके, आई एम टेकिंग टू वेरिएबल्स एक आंसर के लिए भी ले लेती हूं. रिजल्ट सेमीकोलन, सेमीकोलन हो गया, एंटर करो. यस, नाउ क्या करना है हमको? इंटीजर एन वन एन टू रिजल्ट थ्री वेरिएबल्स आई एम डिक्लेयरिंग हियर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे अभी हम लोग? यस, हियर द ग्रीन लाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन मतलब कुछ तो वार्निंग दे रहा है. व्हाट इज द वार्निंग? द वेरिएबल एन वन इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज, ठीक है? एरर नहीं है. रेड लाइन मतलब एरर, दिस इज अ ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन मतलब वार्निंग. हमको वार्निंग दे रहा है कि आपने एनवन वेरिएबल डिक्लेयर किया बट नेवर यूज नहीं किया. तो वी विल यूज, जब हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस लाइन विल बी रिमूव. ओके, यस. नेक्स्ट क्या करना है अभी हमको बताओ, चलो जल्दी. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे? यूजर को मैसेज शो करवाना है. वी वांट टू शो द मैसेज यूजर को, प्लीज एंटर द नंबर एन वन. तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? वेरिएबल यस और नो, मैं कंसोल लिखेंगे. हाँ, सी ओ एन एस ओ, ठीक है? ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है? उसको ले लो, देन इन्वर्टेड कॉट में एंटर एन वन, ठीक है? जो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, यू कैन राइट दिस लाइन हियर, देन क्लोज दी ब्रैकेट, सेमी कॉलन, ठीक है? एंटर. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एंटर एन वन. ओके, नाउ ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स. तो उसके लिए एक्सेप्ट करना है, स्कैन करना है. तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर स्कैनिंग? सिंटैक्स क्या है स्कैनिंग के लिए? एन वन ऑटोमेटिकली आ गया इक्वल्स टू. अभी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग?
कंसोल कंसोल डॉट रीड लाइन ओके कंसोल डॉट रीड लाइन ओके बट डॉटनेट जो है इट कंसीडर ऑल द इनपुट एज अ स्ट्रिंग सॉरी हाँ स्ट्रिंग तो उसके लिए हमको क्या करना है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन करके लिखा है बट नाउ अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट ओके वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर व्हाई बिकॉज अवर वेरिएबल क्या है एन वन तो ये एरर इज गिवन ठीक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्टेटमेंट उसको यहाँ पे एरर है cannot implicitly convert type string to integer. Here you can see क्या लिखा है cannot implicitly convert type string to integer. हम लोग वो by default implicitly convert नहीं करेगा string को integer में. We have to convert. यहाँ पे ऐसा error क्यों है? Because जो .NET framework है वो उसको हर एक जो input है उसको क्या consider करता है string read line. Read line मतलब क्या? String वो text से string ही accept करता है. So we have to convert it into the data type. N1 is क्या है? Integer है. इंटीजर में स्ट्रिंग कभी स्टोर होगा नो इन इंटीजर वी कैन नॉट स्टोर दिस स्ट्रिंग ओके इंटीजर वेरिएबल में हम लोग इंटीजर ही डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं तो n1 इज इंटीजर सो हमको जो इनपुट हम लोग रीड करवाएंगे कंसोल डॉट यूजिंग रीड लाइन लाइन से वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनपुट इनटू द इंटीजर जो हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया था यहां पे हियर बिफोर कंसोल डॉट रीड लाइन यू हैव टू राइट कन्वर्ट c o n ऑटोमेटिकली आ जाएगा कन्वर्ट आ गया ऑटोमेटिकली ठीक है डायरेक्ट डॉट मैं लिखूंगी तो वो ले लेगा कन्वर्ट टू कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट टू वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए कन्वर्ट आ गया बाइट कैरेक्टर बुलियन ऑल इज गिवन हियर ठीक है आपको जिसमें कन्वर्ट करवाना है हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे हमारा क्या था टू इंटीजर हम लोगों ने लिया है ठीक है कन्वर्ट टू इंटीजर 16 ले लो 32 ले लो आपको जो भी लेना यू कैन टेक साइज अब तो आपके हिसाब से लेना ठीक है नाउ द एरर जो है वो ऑटोमेटिकली चला गया यस तो जो वैल्यू हम लोग रीड करवा रहे फर्स्ट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द एन वन वेरिएबल पर उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में समझ में आ रहा है यस और नो यस मैम ओके नाउ सेम ओके सेम हम लोग फॉर द सेकंड उसके लिए लिखेंगे मैं कॉपी पेस्ट कर यू यू विल राइट योर ओन ठीक है आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है ठीक है कंट्रोल सी सेम फॉर द सेकंड नंबर के लिए लिख करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा एंड टू ओके नाउ देखो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन लाइन जा रहा है यस व्हाई बिकॉज़ हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ना नाउ रिजल्ट कंट्रोल सी कंट्रोल बी रिजल्ट इक्वल्स टू क्या करना है एन वन ऑटोमेटिकली आ रहा है यस ठीक है देन प्लस करना है ठीक है क्या करना है प्लस करना है एन वन सॉरी एन वन प्लस एन टू ऑटोमेटिकली आ गया एन टू सेमीकोलन करो ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेगा तो ले लेगा ठीक है नाउ अभी हमको क्या करना है प्रिंट करना है क्या करना है प्रिंट करना है प्रिंटिंग के लिए यू हैव टू कंसोल डॉट राइट लाइन मैं कॉपी पेस्ट करी फॉर टाइम सेविंग के लिए आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ठीक है कंसोल डॉट राइट लाइन आंसर इज या तो एडिशन इज व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट ओके यहां पे प्लस साइन से उसको ओके इसमें है रिजल्ट वेरिएबल में आर ई अगेन इट ऑटोमेटिकली कम्स ठीक है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की आ रही एस आ गया रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया था रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग व्हाई बिकॉज रिजल्ट इज क्या है आपका इंटीजर है रिजल्ट इज इंटीजर टाइप का है तो डॉट नेट अंडरस्टैंड ओनली स्ट्रिंग अगर हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो डॉट नेट को समझ में आएगा तो ये इट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन तो हियर वी हैव टू अगेन कन्वर्ट रिजल्ट इनटू द टू स्ट्रिंग स्पेस दबाओ तो भी आ जाएगा नाउ कंप्लीट प्रोग्राम प्रोग्राम बराबर है कोई मिस्टेक है कुछ मिसिंग है
दिस प्रोग्राम इज कंप्लीट, बाकी रह रहा है इसमें दिख रहा है. चलो बोलो स्टूडेंट्स, रिप्लाई नहीं आया मुझे. प्रोग्रामिंग करोगे ना, अगर मुझे आपसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलेगा देन आई विल नॉट परफॉर्म एनी प्रोग्राम्स. ये प्रोग्राम्स आई एम डूइंग फॉर यू, कि आपको मुझे तो आता ही है, मैं तो टाइप कर सकती हूँ. ये मैं क्यों करवा रही हूँ? फॉर यू, कि आप लोग बोलोगे तो आपको याद रहेगा, अगर नहीं बोलोगे तो देखोगे तो क्या याद रहने वाला है. हाँ हाँ बोलो. चलो क्या बाकी इसमें शाहजाद? यस वेरी गुड. राइट लाइन लिखा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवाया. वाई टू राइट, वाई नीड टू कन्वर्ट, तो वो आपको मैंने रिजल्ट दिखाया, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वाइवा में पूछूंगी. देन सेकंड वेरिएबल को स्कैन करवाया, एडिशन करवाया एंड राइट लाइन रीड लाइन. ठीक है, नाउ उसको आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम. ओके, एंटर एन वन वेल डाला. ठीक है, देन एंटर थ्री डाला, देन एंटर. आंसर इज 15, 12 प्लस 3 15. इजी, आपको पता है, बट सिंटैक्स इज न्यू फॉर यू. ओके, सिंटैक्स जो है सी शार्प लैंग्वेज का, सिंटैक्स इज न्यू फॉर यू. क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम. ओके ठीक है, अगर आप मुझे रिस्पॉन्स, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स होगी उतना अच्छे से मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगी, हर एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे. यू नॉट गिव द रिस्पॉन्स देन फिर मैं भी ऊपर ऊपर से करवा दूंगी. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से करना है कि ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ना है. ओके, हम लोग एक एक प्रोग्राम, मैं लास्ट ईयर भी मैंने सबको एक एक प्रोग्राम करके दिखाया था सारे स्टूडेंट्स को. व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट वो रिस्पॉन्स देते थे, सामने से बोलते मैम ये लिखो वो लिखो, दिस इज मिसिंग, ये ऐसे करना है वैसे करना है, दे आर गिविंग देयर सजेशंस. मुझे भी मजा आएगा करवाने के लिए. अगर आप ऐसे मुझे एक ही चीज आपको बार बार बोलना पड़ेगा, बोलो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो फिर मुझे नहीं मजा आएगा उसमें. प्लीज, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि आपका क्लास जो है वो लास्ट ईयर भी रिस्पॉन्स बहुत कम रिस्पॉन्स देता था. अभी इस बार ऐसे नहीं चलेगा. लास्ट टाइम तो सॉफ्ट थियरी सब्जेक्ट थे तो वो चल गया, बट दिस इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल है तो जितना एफर्ट्स मैं डालू, मेरे से डबल एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा. डबल एफर्ट्स डालोगे तो ही मैं करवाऊंगी, नहीं तो फिर आपको लॉस है. नाउ यू विल डिसाइड कि क्या करना है. ठीक है, नाउ क्या टाइम हो गया? आपका सेकंड लेक्चर है ना. ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रोग्राम्स फॉर फोर लूप्स वगैरह, इनके जो भी है न्यू कॉन्सेप्ट्स, एरे वगैरह, वो बेसिक्स प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे. ओके, तो प्रोग्राम जो है, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है उसका प्रोग्राम्स आई विल शो यू. देन प्रैक्टिकल, इसमें जो प्रैक्टिकल्स है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको वो आपके सिस्टम में रन करना है. ठीक है, यस. अभी मैं सेटअप दे देती हूँ, आई विल प्रोवाइड द सेटअप, उसमें डाल देती हूँ, तो प्लीज उसको इंस्टॉल करो सैटरडे संडे में. ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, फिर आप प्रोग्राम घर पे ट्राई करोगे. यस और नो? यस मैम. बट प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डॉटनेट नहीं समझ में आएगा. दिस इज अ प्रोग्रामिंग, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है. ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा, देख के ये हाँ 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 ये ऐसा है, बट जब खुद से एक लाइन भी लिखने जाओगे ना तो समझ में आएगा कि कितना एक लाइन लिखने में कितना एरर जनरेट होता है. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आपको सिर्फ फाइंड करने की भी जरूरत नहीं कि एरर कहाँ है. ऑटोमेटिकली द रेड लाइन विल बी डिस्प्ले अंडर द एरर का जो होगा उसको, ऑटोमेटिकली रेड लाइन आएगा, तो उसको जब पेन विल बी मूव द कर्सर ऑन दैट रेड लाइन पे लेके जाओगे कर्सर, तो आपको डिस्प्ले होगा मैसेज कि यस ये मिसिंग है, फटाक से वो चूज कर लोगे. ओके, ईजी भी है, बट करोगे तो ईजी लगेगा, अदरवाइज नहीं.